आईटीआई विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ वेल्ड। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी भाग, डिफेक्ट्स का मतलब होता है दोष ऑफ वेल्ड। वेल्डिंग में आए दोष या गलतियां को हम क्या कहते हैं, इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ वेल्ड। तो जिस समय वेल्डिंग किया जाता है उस समय होता क्या है कि कभी वोल्टेज अप डाउन हो जाने के कारण या कभी इलेक्ट्रोड के कारण बीड में, वेल्डिंग बीड में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देख रहे हैं कि एक नंबर में क्या है, पोरोसिटी है, दो नंबर में पुअर पेनिट्रेशन है, उसके बाद क्रैक्स है, ओवरहीटेड मेटल है, लैक ऑफ इलास्टिसिटी है, स्लैग इंड्यूशन है, लैक ऑफ फ्यूजन है, ऑक्सीडाइज्ड मेटल है, हार्ड स्पॉट है। तो पोरोसिटी का मतलब हम जान गए हैं कि पोरोसिटी का मतलब होता है छिद्रता। तो माना कि ये वेल्डिंग यहाँ पे हुआ है, ये पार्ट दो पार्ट में है, और वैसे अवस्था में क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वेल्डिंग बीड अगर सपोर्ट करें, कि सपोज कि ये वेल्डिंग बीड हमारा बना है, तो वैसे स्थिति में क्या है कि छिद्रता, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर देखने को मिलता है बीड में, तो ये हम कहेंगे कि क्या है, पोरोसिटी है। एक बार फिर, पोरोसिटी का मतलब होता है छिद्रता, यानी कि वेल्डिंग बीड में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि क्या है कि छिद्र छिद्र यानी कि होल इसमें दिख रहा है, वैसे को हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं, और ये वेल्डिंग दोष है। पुअर पेनिट्रेशन का मतलब है मंद प्रवेशन। अगर हमारा क्या है कि ये दो मेटल है, दो मेटल के बीच अगर क्या है कि इस प्रकार वेल्डिंग करने के उपरांत यहाँ से लेकर वेल्डिंग बीड यहाँ तक अगर पहुँच जाता है या मैक्सिमम पार्ट तक पहुँच पाता है, वैसे को हम क्या कहते हैं, डीप पेनिट्रेशन कहते हैं, डीप पेनिट्रेशन। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, पुअर पेनिट्रेशन का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहीं तक मेटल जा पाया है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो गलने के बाद यहीं तक कवर कर पाया है। दूसरा साइड से, अपोजिट साइड से भी करें तो इतना ही कर पाएगा। इस प्रकार ये जो बीच में गैप बच जाता है, तो हम यही समझेंगे कि पुअर पेनिट्रेशन है। और डीप पेनिट्रेशन के लिए क्या है कि अगर ये पार्ट और आगे तक गहराई तक गया, अपोजिट साइड से फिर करते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि यहाँ तक कवर कर पाता है, यानी कि कोई भी भाग खाली नहीं रह जाता है, वैसे स्थिति में हम कहेंगे कि डीप पेनिट्रेशन है। लेकिन यहाँ हम जाने हैं कि दोष के बारे में जान रहे हैं, तो इस प्रकार बीच में गैप ही बच जाता है, वहाँ तक मेटल प्रवेश नहीं कर पाता है, यानी कि यहीं तक रह जाता है वेल्डिंग जो मेटल है, फ्यूजन करने के बाद जो है ना यहीं तक पहुंच पाता है, वैसे में हम क्या कहते हैं, पुअर पेनिट्रेशन। अगला क्या है, क्रैक्स है। क्रैक में होता क्या है कि वेल्डिंग बीड हमारा बना, और फिर होता क्या है कि वेल्डिंग बीड में इस तरह का या इस तरह का क्या होता है, दरार देखने को मिल जाता है, यानी कि ये मेटल क्या होता है, बिल्कुल क्रैक कर जाता है, फटा हुआ सा मालूम पड़ता है, और यह इस तरह का लाइनिंग दिख जाता है, ये क्या है, क्रैक्स है। उसके बाद है क्या, फोर नंबर में देख रहे हैं कि ओवर हीटेड मेटल। ओवर हीटेड मेटल में होता क्या है कि कभी कभी वेल्डिंग करते समय क्या होता है, इलेक्ट्रोड को 1.5 mm का गैप हम नहीं दे पाते हैं, वैसे स्थिति में क्या होता है कि मेटल क्या होता है कि इलेक्ट्रोड और मेटल दोनों क्या होता है, चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है, जल्दी छूटता नहीं है,
और ऐसी अवस्था में क्या है कि ये मेटल हमारा क्या होता है, ओवर हीटेड मेटल हो जाता है। ये पूरा जोन जो है वेल्डिंग जोन, ये पूरा क्या होता है, हीट हो जाता है, यानी कि लाल तप्त की तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ओवर हीटेड मेटल यानी कि अति तप्त धातु का मतलब जितना गर्म होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, वैसे में हम क्या कहेंगे, ओवर हीटेड मेटल। ये भी क्या है, वेल्डिंग दोष है। या तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि वोल्टेज को घटा के हम फिर वेल्डिंग करेंगे तभी इसका सुधार हो सकता है। उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है कि वेल्डिंग बीड हमारा जो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोड फ्यूजन के बाद जो मेल्ट होकर मटेरियल डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है, फैल नहीं रहा बल्कि एक ही जगह जमा हो रहा है। इस तरह क्या होता है कि फैलने का जो प्रवृत्ति है वो फैलने का नहीं होकर बल्कि यहीं पर स्पॉट की तरह जमा हो जाता है, जबकि क्या है कि मेटल के दोनों किनारे को टच करना है। इस प्रकार क्या होता है कि लैक ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, यानी कि इलास्टिसिटी में कमी का मतलब है कि ये इतने वाले भाग को कवर करना था बल्कि क्या हो जाता है कि ऐसे ही रह जाता है, इतने ही भाग को कवर कर पाता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं कि लैक ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब इलास्टिसिटी में कमी। अगर क्या होता कि वेल्डिंग हीट हमारा बंद था और दोनों किनारों को अच्छी तरह से टच करते हुए जाता, ठीक है, मेल करते हुए जाता, तो हम ये समझते कि इलास्टिसिटी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ कमी बताया गया है, ये डिफेक्ट्स है, दोष है, इस कारण से लैक ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी में कमी। अगला क्या है, स्लैक है इंड्यूशन। स्लैक क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग चढ़ा हुआ है जो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम भी करता है, लेकिन क्या है कि जलने के बाद वो भूरे कलर का एक अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, इस पर बीट पर चढ़ा हुआ रहता कवर के रूप में जो ऑक्सीडेशन से बचा रहा था। ठंडा होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसे चिपिंग हैमर से जब स्लैग को हटाते हैं तो पता चलता है कि जितना मात्रा में साफ से स्लैग निकलना चाहिए नहीं निकलता है, बल्कि वेल्डिंग बीड में ही मिक्स कर जाता है, ऐसे में वेल्डिंग दोष कहलाएगा। लैक ऑफ फ्यूजन में क्या है कि गलन में कमी, यानी कि इलेक्ट्रोड क्या है कि सही टेम्परेचर होने के बावजूद भी अगर इलेक्ट्रोड सही रफ्तार में गल नहीं रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरह गल रहा है, जिससे क्या होगा, वेल्डिंग हमारा एक समान नहीं बन पाता है और वेल्डिंग हमारा क्या होता है, मजबूत नहीं बनता है। जिस मेटल को हम दो भाग को जोड़े थे वो मेटल क्या होता है, कमज़ोर रह जाता है लैक ऑफ फ्यूजन के कारण। ऑक्सीडाइज्ड मेटल में हम ये कहें कि इलेक्ट्रोड पर जो फ्लक्स चढ़ा हुआ रहता है ऑक्सीडेशन से बचाता है, लेकिन यहाँ बचा नहीं पाया, ऑक्सीजन प्रवेश कर गया और वेल्डिंग बीड जो हमारा बन रहा था उसमें उसको ऑक्सीकृत कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करके मेटल को क्या किया, वेल्डिंग बीड को ख़राब बनाया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वेल्डिंग दोष है, ऑक्सीडाइज्ड मेटल है। 9 नंबर में देख रहे हैं कि हार्ड स्पॉट है। हार्ड स्पॉट का मतलब है कि जहाँ भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, बेस मेटल पर जाकर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि मेल्ट डिपॉजिट हो रहा है लेकिन सही नहीं, बिल्कुल राउंड के रूप में रह रहा है, वो पिघल कर यानी कि पसरने का काम नहीं कर रहा है, फैलने का काम नहीं कर रहा है, जिससे क्या होता है, दोनों किनारे को टच नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या है कि हार्ड स्पॉट के रूप में जमा हो जाता है, ये वेल्डिंग दोष है, जिसके कारण क्या होता है कि जॉइंट मजबूत नहीं होता है। और इसे जानने के बाद जो एक्सरे टेस्ट या हैमरिंग टेस्ट के द्वारा हम टेस्ट करने के बाद इसे हम देखेंगे कि ये जॉइंट हमारा कमज़ोर बन गया है, ऐसे स्थिति में इसे फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ जाता है। तो इंटरनल डिफेक्ट्स एक्सरे के द्वारा पता कर लिया जाता है, सारे को क्या है, जितना भी
वेल्डिंग दोष है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स है, इसको एक्सरे में देखा जा सकता है या पता किया जा सकता है। इस प्रकार आप लोगों को इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में जानकारी मिला होगा कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है, यानी एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहरी दोष। वेल्डिंग बीट हमारा बन रहा है, उसके बाहरी क्या क्या दोष दिखाई दे रहे हैं, ये विजुअल होता है, नेकेड आई से हम देख सकते हैं। लेकिन इन कुछ जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स है, इसको एक्सरे से ही टेस्ट किया जा सकता है, जांच किया जा सकता है कि वेल्डिंग दोष है जो इंटरनल बीट के अंदर पाया गया है। तो आज ये वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में आप लोग जानें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।